क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 में ध्यान दो कि क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 ये क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 मैंने इसमें जो लेक्चर 2 है मैट्रिक्स का उसमें मैंने कराया था क्वेश्चन नंबर 10, और बिल्कुल उसी की तरह आपके वो न्यू वाला क्वेश्चन भी करोगे तभी ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, और ये वाला भी कर लोगे तभी सारे क्वेश्चन ये 9 to 12 सारे हो जाएंगे। तो देखो इसको, ये 3 स्केलर है मैट्रिक्स में, प्लस ये देखो 3 टाइम्स ऑफ ये मैट्रिक्स इक्वल टू दिस मैट्रिक्स प्लस दिस मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसमें क्या है कि 3 स्केलर है तो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पहले तो आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख लो। देखो 3x, 3y, 3z और 3w, ठीक, इक्वल टू इधर दोनों मैट्रिक्स को क्या करोगे आप, प्लस कर रहे हैं हम, तो दोनों को प्लस कर लेते हैं, x प्लस फोर और ये देखो 6 प्लस x प्लस y, ठीक है, ये इन दोनों का सम हो गया। माइनस वन करेंगे हम, z प्लस w माइनस 1 और ये 2w प्लस 3, ठीक। अब इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या बताती है, इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिक्स बताती है ये कि करस्पॉन्डिंग पोजिशन के एलिमेंट इक्वल होते हैं, यानी कि हम इससे कह सकते हैं कि ये जो 3x है हमारा वो किसके इक्वल होगा, x प्लस 4 के इक्वल होगा। तो उसको x प्लस 4 के इक्वल करते हैं तो 3x इक्वल टू x प्लस 4, तो इसको x को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 2x इक्वल टू 4 मीन्स x इक्वल टू 2, ये तो आ गया x इक्वल टू 2, ठीक है। अब हमें y z वो भी पता करने होंगे, तो देखो 3y फर्स्ट तो ये आ गया हमारा। अब हम क्या करते हैं कि 3y को किसके इक्वल करते हैं, इसके इक्वल करते हैं, तो 3y इक्वल टू 6 प्लस x प्लस y, ठीक है। तो ये 2y, देखो इस y को इधर लाए, ट्रांसफर होकर माइनस हो गया, -x इक्वल टू 6, फिर x की वैल्यू, x को वैल्यू निकाल रहे हैं प्लस x, ठीक है, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 2, तो 2y इक्वल टू 6 प्लस 2, x की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8, यानी कि y की वैल्यू आ गई 4, ठीक। इसी तरह से नेक्स्ट ये w की वैल्यू निकाल लेते हैं, इससे पहले जल्दी निकल जाएगी, क्या 3w इक्वल टू 2w प्लस 3, ठीक है, हमने ये पहले कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी आगे पीछे कर लो, इसको हमने पहले इक्वल कर दिया है, ठीक। एक सेकेंड, 3w इक्वल टू 2w प्लस 3, 2w प्लस 3, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे w रह जाएगा, 3w माइनस w इक्वल टू 3, यानी कि w की वैल्यू आगे ये पड़ गया, ठीक, वो भी कर लेते हैं। ये सब हम लिखेंगे बाई द इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, ये सब लिखते हैं मैट्रिक्स की इक्वेलिटी वाले रूप से, ठीक है। अब ये है क्या, इसमें तो हम लिख लेते हैं 3z इक्वल टू z प्लस w माइनस 1, w की वैल्यू 3 आ चुकी है, ये अगर हम 2z, इसको z को इधर ट्रांसफर कर दो, 3z इक्वल टू w, w की वैल्यू 3 है, 3 माइनस 1, यानी कि 2z की वैल्यू कितनी है, 2 है, यानी कि z इक्वल टू कितना है, z इक्वल टू 1 है, तो x y w और z सबकी वैल्यू आ गई, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो जैसे ये क्वेश्चन हो रहा है ठीक, तो उसी तरीके से 9 to 10 सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक, ये हो गया, तो वो सारे हो जाएंगे, और 10th नंबर क्वेश्चन मैं पहले बता ही चुका हूँ, वो भी हो गया, तब भी हो जाएंगे, आप इसको नोट कर लो फिर आप।